गाइस अभी मैं प्रमोद भाई की दुकान में हूँ जो मेरे पीछे है और हमेशा यही मेरी कटिंग करते हैं। गाइस देखिए भाई ने मेरे को कितना गोरा कर दिया, जैसे कि आपको मैंने बताया था असली रंग आ चुका है मेरा बाहर गोरा वाला। भाई यार पुंगड़ू में गया था भयंकर, हल्ले ने कहा कि रोटी सब्जी ला। बॉय मोहित परोदा अबे मत दिख नहीं ना। क्या लेके जा रहे क्या लेके जा रहे अबे वो मैं मंदिर लाए तो कुछ नहीं लाएगा, मैं मंदिर लाए तो एक बार हां बोले ना, मैं आज में तो नहीं हूं बेटा यार। अच्छा भी मिल वाली इनके लिए बोली ये वाले में आ जाए 5000 मना वाली नहीं हूं तो मिल वाली नहीं हूं छोड़ ना, मैं नहीं हूं बेटा यार। अता का कान का भी आदमी मांग उसी ने जो पत्र में नहीं कर सर वो तो बिजा। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और मैं मोहित और आयुष आए थे बाइक धोने, तो मैंने धो के खड़ी कर दी और मोहित भाई काफ़ी देर से धोने पे लगे हैं। खोल खा लिए, दिखाता हूँ मैं। ये उसने सीट मीट सब निकाल दी, जैसे गाड़ी का गेट वेट खोल के धोते हुए ऐसे ही धो रहा है बिल्कुल। और वहाँ पे मैंने धो के खड़ी कर दिया जो दिख रही है आपको। घर पे आ गए थे और अभी हम खेत में, जो इसके हाथ में सफ़ेद सफ़ेद थैली दिख रही है तो उसमें नमक है, तो हम खेत में अभी नमक फेंकने जा रहे हैं। पता नहीं क्या होता है उससे, शायद कीड़े वीड़े जो हम उगाते हैं उन पे नहीं लगते मेरे ख्याल से। तो अभी हम पहले उसको फेंकते हैं, तब अभी नाश्ता भी नहीं किया है क्योंकि सुबह 15 चले गए थे हम, तो तब नाश्ता करेंगे। और टाइम अभी 10 बज गए, 10:24 हो रहा है, तो चलते हैं हम जल्दी से। तो ये आ गए हम अपनी लोकेशन पर जहाँ पर वो आ गया हरा हरा, वैसे तो पूरा ही हरा है बट जो अलग हरा दिख रहा है बूता हुआ वहाँ पे फेंकना हमने। और मौसम भी आज बारिश वाला हो रखा है तो हम इसको फेंकते हैं जल्दी से और तब घर चलते हैं। तो हमने नमक को ऐसे कुछ इस तरह फेंकना है ताकि सब जगह चल जाए। तो अब हमने इस वाले खेत में फेंक दिया है, अब ऊपर वाले खेत में चलते हैं जो ये रहा रास्ता यहाँ का। आगे से दिखा गलत जगह फेंक दिया, भूल गया आंवले के डाले से उधर फेंकना था। फेंक दिया है मैंने जो भी 2 से 3 किलो नमक लाया था मैं घर से। और अब चलते वापस घर पे, तो हो गया है पूरा, थोड़ा थोड़ा रह गया था तो मैंने कर दिया एडजस्ट में, वैसे गाढ़ा गाढ़ा फेंकना था। तो अब चलते, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। क्या पता गिर जाए, एक बढ़िया मूवमेंट मिल जाएगा। इसे बोलते हैं रोला, जब यहाँ से मतलब बरसात का टाइम आता है यहाँ से बहुत ख़तरनाक पानी आता है नीचे की तरफ, तो आपको दिखाऊंगा वो भी अगर मैं उस टाइम ब्लॉग बना रहा रहूँगा तो। घर पे आप करते हैं नाश्ता। गाइस अभी नाना जी का खलदा का सार पसीना देख सकते हैं क्या भयंकर आ गया है। और मेरे को उसके अंदर से मिले 500 रुपये जो कि अब मेरे हैं, तो पानी पीते और रजाई भी इस तरह रखते ऊपर। इस खल्डा वल्डा ठीक कर दिया है और अब आ गया हूँ कमरे में, थोड़ी देर पंखे की हवा खाते हैं तब देखते हैं आगे क्या काम करना है। आई सब्जी लेने भी जाना है बाजार। खाना वाना खा लिया है और थोड़े बाल खराब हैं, कपड़े उपड़े चेंज कर लिए हैं, अब थोड़ा सा जा रहे बाजार क्योंकि सामान लाना है, इसमें लानी अच्छी नहीं और कुछ और सामान भी है तो उसको भी लेके आते हैं। अभी मोहित भाई आ रहा है चोपटा खाल की तरफ से बाइक लेके, मेरी बाइक दूसरी तरफ खड़ी है क्योंकि मैंने जब दिन में धोई थी तो उधर ही खड़ी कर दी थी, तो उसी की बाइक से चले जाऊंगा, बेकार में बार बार इधर उधर चक्कर क्यों मार रहे हैं।
तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगा था आने में, तब चलते हैं बाजार। अभी मैं शाम को आ गया हूँ बाजार में और यहाँ मोहित बाइक बनवा रहा है। इज माई ब्रदर और इज माई छोटा ब्रदर इधर को आ गए क्योंकि उसे बाइक बनाने देते हैं और हम यहाँ से लेते हैं चीनी। सूरज भाई आ गए, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको करीबी से सूरज भाई को, देखिए ठीक है भैया शांति। तो अभी यहाँ से लेते हैं हम चीनी और चाय पत्ती, तो चीनी और चाय पत्ती दे दो। अभी मैं प्रमोद भाई की दुकान में हूँ जो मेरे पीछे है और हमेशा यही मेरी कटिंग करते हैं और इस भाई की भी। तो अभी मैं थोड़ा स्क्रब लगा रहा हूँ मुँह पे क्योंकि आजकल थोड़ा सा काला हो गया हूँ धूप में, तो देखते हैं इसके बाद क्या निखर आता है। तो चलो जल्दी से करवाते हैं। देखिए भाई ने मेरे को कितना गोरा कर दिया, जैसे कि आपको मैंने बताया था असली रंग आ चुका है मेरा बाहर गोरा वाला। और भाई से अभी लक्ष्मण भाई भी करवाएंगे, मेरे को देख रहे हैं पहले कि मैं कैसा गोरा हो रहा हूँ कि नहीं है। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर आराम करते हैं और तब देखते हैं उसके बाद अंतर। गाइस स्क्रब कराने के बाद अब मैं थोड़ा कलर करवाता हूँ, ब्राउन कलर करा देता हूँ बालों को, काफ़ी दिन हो गए ब्लैक में चल रहा है भाई। ब्लैक ठीक लगेंगे ब्राउन 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 तो ब्राउन देखते हैं, ब्राउन ढूंढ रहे होंगे तो उसको लगाएंगे, तब देखते हैं बाहर जाके कि क्या निखार आता है। दुपट्टा फिर से खुल गया था, बंद हो गया, तो ये कलर भी लगना हो गया चालू। और अभी आपको बिफोर और आफ्टर की फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तो देखना कैसा लग रहा हूँ, तब बताना कौन सा बेस्ट है। तो अब लगवाते हैं फाइनली रिजल्ट निकल के आ गया है। बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो गए और देखिए निखार आ गया चेहरे पे इन भाई की वजह से। तो ये गाना वाना भी गवाते हैं, तो कोई सिंगर वगैरह कुछ हो तो इन भाई से संपर्क करें, मैं इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो इनको फ़ोन करके अगर कोई गाना जाना चाहता है या किसी ने लिखा हो तो इनसे ज़रूर मिले। और बाल वाल बनाने के लिए भी ज़रूर आए प्रमोद भाई से। तो अभी बाहर दिखा के आते हैं लोगों को कैसी कटिंग है, तो शुरुआत करते हैं। भाई के सैलून का नाम है द हील सैलून, लेडीज़ भी है और जेंट्स भी है, तो ज़रूर आके कटवाएं। पहले अपने प्रिय बहना सॉरी मित्र से मिलवाते हैं हम आपको। तो ब्रो मेरे बाल और फेस देख के बताइए कैसे लग रहे हैं, कटिंग कैसी है? बिल्कुल। बाल कैसे कटे? मस्त, एकदम मस्त लग रहा हूँ गोरा, गोरा दो साल छोटा बिल्कुल। सेटिंग बाजी करूँगा और बिल्कुल। तो चलो तब आप सीधा लड़कियाँ छेड़ने चलते हैं। चलो काफ़ी ज़्यादा निखार लग रहा है मेरे को चेहरे पे, तो आप भी ज़रूर आना। और अंकल जी सामने से देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तब से इनकी नज़र मेरे पे ही है। स्क्रब कराने के बाद और बाल खड़े करवाने के बाद आप बताइए कि कुछ अंतर दिख रहा है भाई? देखूँ पे देखूँ कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। तो जैसे कि आपने बोला मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रख रहा हूँ, तो प्रमोद भाई की दुकान में आए और उधर से करवाएं, मजाक कर रहे थे, ठीक लग रहा हूँ ना? गोरा गोरा नहीं लग रहा थोड़ा? आज तेरा भाई दुकान के अंदर बैठा था पूरे दिन भर इसके बाद पुराने बाद। तो अगला शिकारी आ गया है, मतलब ग्राहक। तो चलो तब मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए चप्पल जोड़ने का जुगाड़ चल रहा है, तो कैसे टूटी है भाई? यार पुंगड़ू में गया था भयंकर, हल्या ने कहा कि रोटी साथ ला रहे सीधा गाल दे दो। सही बात है, रेत लगा दे रे। बाजार से घर पे आ गया था और बाइक उधर खड़ी है, तो बाइक लेके चलते हैं अब, क्योंकि मोहित भाई की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है वहाँ पे पीपल के पेड़ के पास, तो उसकी कुछ मदद कर सकेंगे तो करेंगे, नहीं तो करेंगे कुछ। तो अभी बाइक लेके सामान घर पे रख दिया था और अब बाइक लेके जा रहा हूँ इधर से, तो चलते हैं जल्दी से। मेरे साथ है सत्येंद्र, जिसको आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान जाओ, और ये सचिन। तो बस थक गए चलते चलते, बस अब 200 मीटर और है तो बाइक लेके सीधा बाजार चलते हैं। और पीछे का वेदर देखिए क्या खतरनाक हो रहा है, ये देखिए बारिश आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है और यहाँ लोग बाग भी हैं।
गोल लेके जाना जी। या मोहित इज अ बॉय मोहित ब्रदर। मैं और मोहित भाई क्योंकि आज गांव में था क्या था पार्टी थी, आज गांव में पार्टी थी तो उन्होंने पार्टी दी, तो आज मुर्गा और पनीर बना था, तो हम नॉन वेज है तो पनीर क्यों नहीं दिया मुझे, मैं पनीर भी खाता हूं। हम वेज है, नॉन वेज ही है, दोनों खाते। ये मुर्गा उधेड़ देता है, मैं वेज हूँ, मैं मुर्गा नहीं खाता। मैं दोनों खा रहा हूँ, मुर्गा पर मुर्गा नहीं खाता मैं। मैं पनीर मुर्गा दोनों खाता हूँ। तो अब चलते हैं नीचे, वहाँ डीजे मंगाया, खाना वाना खा लिया, देखते हैं अभी नाच गाना करेंगे, वो नाचेंगे तो नाचते हुए भी दिखाएंगे। तो मोहित भाई ने उठा लिया, तो चलते हैं। आज देखिए क्या तुम्हारा भाई सेंटी लग रहा है, डैम यार इतना खूबसूरत। ये नहीं, ये करके दिखाओ, ये खूबसूरत नहीं, ये जो शीशे में तस्वीर है लाइट ऑन कर दी इसने। तो चलते हैं, ये आज मौसम काफी खराब है, ये सामने वाले गांव में जो हमें दिख रहे हैं और आसमान में आज एक भी तारे नहीं, तो आज रात बारिश के आने की भारी आशंका है। और आजकल देखिए कीड़े भी कितने सारे, मतलब लाइट भी कितने सारे कीड़े आ जाते हैं, गर्मियाँ शुरू होते होते या ख़त्म होते होते बरसात के टाइम। चले अभी मत दिखना ना।